गाइस, आप 13 साल से तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस सीरियल को देखते आ रहे हो, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको अब्दुल की दुकान के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताने वाली हूँ जिससे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। जी हाँ, दरअसल अब्दुल की शॉप में बाहर से कोई कस्टमर नहीं आता। इस शॉप का इस्तेमाल सिर्फ शूटिंग के वक्त पर ही किया जाता है। दरअसल आसिफ मोदी ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर काम के लिए रखा है और शूटिंग के टाइम पर जिस भी सामान की जरूरत होती है तो वो लोग मार्केट से सामान लाकर अब्दुल की शॉप में रख देते हैं, लेकिन उसमें से आधा सामान एक्सपायर होता है। पूरा सामान एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि अब्दुल की शॉप पर आपने कभी कभी टप्पू सेना को देखा होगा कि वो लोग चॉकलेट खाते हुए नजर आते हैं। मतलब शॉप पर खाने की चीज एक्सपायर नहीं होती, उन चीजों को शूटिंग के टाइम पर यूज किया जाता है और बाकी सब कुछ सिर्फ खाली बॉक्स रखे होते हैं। तो गाइस, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये फैक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और हर रोज इससे मजेदार जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।